Hello, my dear kids. Welcome back. I am Vandana and we are learning computer of class 8 by Brain Root series. And here is your book, Cyber Creators. Today we are going to start with chapter number 2 and the name is Understanding MS Access 2021. So yes, in this chapter we are going to learn about MS Access. So these are the concepts that we are going to cover. First is exploring database. Features of database management system, which is DBMS, yes. Advantages of DBMS, yes. Database applications, disadvantages of DBMS, yes. Introduction to MS Access 2021. Objects in MS Access, starting MS Access 2021, parts of MS Access 2021 window. Creating a database, creating a table using templates, opening an existing database and closing our database in Access. So let's start the chapter with before we begin. So here you have to draw and color the icons in MS Access 2021 in the space given below. So here is a space given. What do you have to do MS Access 2021? Ke icons ko yahan pe draw karna hai and then you have to color them. Let's start the chapter with exploring database. So database is a collection of interrelated data. Database kya hai? Ek collection hai. Interrelated means ek jaise related data ka, which helps in efficient retrieval. Jo help karta hai efficient retrieval mein of taking out information, insertion and deletion of data from the database. Ye kya karta hai database mein? डेटा को इंसर्ट करने में और डिलीट करने में हेल्प करता है एंड डिलीटिंग द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस एंड ऑर्गेनाइजेस द डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल व्यूज रिपोर्ट्स एक्सेट्रा. तो डेटाबेस क्या करता है? डेटा को इंसर्ट करने में हेल्प करता है, डिलीट करने में हेल्प करता है, डेटा को ऑर्गेनाइज करता है किन किन फॉर्म्स में? टेबल के फॉर्म में, व्यूज के फॉर्म में, रिपोर्ट्स के फॉर्म में. नाउ देयर आर सम एग्जांपल्स, लेट्स सी व्हाट आर दे. तो पहला एग्जांपल है एन ऑनलाइन टेलीफोन डायरेक्टरी वुड यूज द डेटाबेस. अब आपने देखा होगा कि पहले फ़ोन डायरेक्टरी आते थे, अब जो है ऑनलाइन टेलीफोन डायरेक्टरी की यहाँ पे बात हो रही है. जो ऑनलाइन टेलीफोन डायरेक्टरी है वुड यूज़ द डेटाबेस टू स्टोर डेटा पर्टेनिंग टू पीपल. ये क्या करता है? डेटा को स्टोर करके रखता है जो पर्टिकुलर किसी पर्सन का होता है, उनका फ़ोन नंबर स्टोर करता है एंड देयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सारी चीज़ें उसमें स्टोर रहती हैं. Your electricity service provider is used using a database to manage bills. आपका जो electricity service provider है, जो आपके घर electricity देता है, वो क्या करता है? उसके पास बहुत सारे database हैं जो manage करते हैं किस चीज़ के लिए bill करने में और client related issues में help करता है, fault को rectify करने में help करता है. तो ये database हर एक person का होता है कि वो कैसा है, क्या है, उसके साथ क्या क्या चीज़ें लिंक अप है. अ स्कूल्स डेटाबेस ऑर्गेनाइजेस डेटा अबाउट स्टूडेंट, टीचर एंड एडमिन स्टाफ. अब स्कूल के डेटाबेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बच्चों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है, टीचर्स के बारे में और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो है उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है. सो डेटाबेस क्या है? एक आप कह सकते हो कलेक्शन है डेटा का जो हर एक इंडिविजुअल के बारे में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास होती है. Now, what are the features? Features क्या है इसके? So here you can see there is an example of database. इसमें क्या है? Four fields आपको दिखेंगे. पहला है roll number, फिर name, class and mark. तो इन सब को हम field कहते हैं. और यहाँ पे आप देख सकते हो ये हैं records. 1, 2, 3 and roll number 1, 2, 3 हैं, उनके records हैं. और 1, 2, 3 पे अंशु, ईशु और आशु हैं, इनके रिकॉर्ड्स, इन बच्चों के रिकॉर्ड हैं जो कि क्लास इन क्लासेस से पढ़ते हैं और ये इनके मार्क्स हैं. तो यहाँ डेटाबेस को चेक करके इजीली बताया जा सकता है किस बच्चे के कितने मार्क्स हैं. नाउ लेट्स डिस्कस सम कंपोनेंट्स ऑफ एनी डेटाबेस. तो चलिए कुछ कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं. पहली बात है फील्ड. सो फील्ड क्या है? होता है ये कॉलम होता है जिसमें हेडिंग और कंटेंट वगैरह दी जाती हैं, वैल्यूज दी जाती हैं फॉर अ सिंगल टाइप, एक पर्टिकुलर टाइप के लिए. रिकॉर्ड क्या है? इट इज़ द रो कंटेनिंग वैल्यूज. ये एक रो है जिसमें वैल्यूज होती हैं हर एक फील्ड में एक एंट्री के लिए.
फिर आता है वैल्यू, ये क्या है, इट इज अ डेटा आइटम विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, ये एक डेटा आइटम है जो कि छोटा यूनिट है किसी भी डेटाबेस में, एंड इट कैन बी न्यूमेरिक अ कैरेक्टर और अल्फा न्यूमेरिक। तो अगर हम वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे हम नंबर्स डाल सकते हैं, कैरेक्टर्स डाल सकते हैं और अल्फाबेट और न्यूमेरिक दोनों ही यूज कर सकते हैं। सो ये क्या है, कुछ कंपोनेंट्स हैं डेटाबेस के। अब हम पढ़ेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS क्या होता है। सो द सॉफ्टवेयर यूज टू मैनेज अ डेटाबेस इज कॉल्ड DBMS। तो इस डेटा को मैनेज करने के लिए, इस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हमें DBMS की जरूरत होती है, जिसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम कहते हैं। अभी जो DBMS का सर्वर है, ये एक इंटरमीडिएटरी है बिटवीन द यूजर एंड द डेटा बेस। तो डेटाबेस और यूजर के बीच में एज अ लिंक ये काम करता है। जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर है वो कलेक्ट किए जाते हैं फाइल्स में, इन्हें डेटाबेस को यहाँ फाइल्स में कलेक्ट किया जाता है, जिससे हम इन डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं थ्रू फाइल्स। DBMS में फाइल्स के थ्रू हम इन डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। A DBMS that stores data in the form of tables and enables you to join the table by creating a link between them is called relational database management system. So SRDBMS जो क्या करता है, स्टोर करता है डेटा को किस फॉर्म में, टेबल्स के फॉर्म में, और आपको हेल्प करता है इस टेबल को ज्वाइन करने में, एक लिंक क्रिएट करने में। सो ऐसे DBMS डेटा को हम रिलेशनल DBMS डेटा कहते हैं। So it is RDBMS. Some of the examples of DBMS are MS Access. अब MS Access क्या है, एक example है DBMS का। Office Open Office Database, Oracle, Microsoft SQL Server, ये सब क्या है, examples है DBMS के। Now in this chapter we shall learn about Microsoft Access 2021. इस chapter में हम इस particular topic के बारे में पढ़ेंगे। सो ये क्या करता है, बहुत सारे कामों को करता है DBMS, बहुत सारे कामों को करता है। पहला है डेटा डिफिनेशन, इट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग डेटा इनटू वेरियस ग्रुप्स। ये क्या करता है, डेटा को अलग अलग ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज करता है, सो दैट द रिलेशन कैन बी सेट फॉर एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन, ताकि रिलेशन को सेट किया जा सके इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए। फिर आता है डेटा अपडेशन, सो इट हेल्प्स इन इंसर्शन मॉडिफिकेशन एंड डिलीशन ऑफ डेटा। अब अपडेशन, डेटा अपडेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें जो भी चेंजेस हमें करने वो कर सकते हैं, और हम जो अनवांटेड डेटा उसे डिलीट भी कर सकते हैं। फिर है डेटा रिट्रीवल, सो डेटा रिट्रीवल क्या करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन मान लो कि कभी वो गलती से खो गई तो उस इंफॉर्मेशन को हम रिट्रीव कर सकते हैं। सो इट हेल्प्स आउट टेकिंग रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द स्टोर डेटा इन एन ऑर्गेनाइज मैनर। ऑर्गेनाइज मैनर में हम उस डेटा को किसी भी जहाँ पे लोकेशन है वहाँ से हम उसे निकाल सकते हैं। फिर है यूजर एडमिनिस्ट्रेशन, इट ऑल्सो हेल्प्स इन डेटा सिक्योरिटी बाई मॉनिटरिंग डिफरेंट यूजर्स। ये क्या करता है, हेल्प करता है डेटा सिक्योरिटी में, कैसे, बाय मॉनिटरिंग डिफरेंट यूजर्स, अलग अलग यूजर्स को मॉनिटर करता है, उन पे ध्यान देता है, और ये सारे यूजर्स कहाँ हैं, एक सिंगल डेटाबेस में काम कर रहे होते हैं। नाउ क्या क्या एडवांटेजेस हैं DBMS के, तो कुछ एडवांटेजेस यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है रिड्यूसेस डेटा रिड्यूएंसी, ये डेटा रिड्यूएंसी को क्या करता है, कम करता है। सो फाइल बेस्ड डेटा मैनेजमेंट सिस्टम कंटेन्स मल्टीपल फाइल, जो फाइल बेस्ड डेटा मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के फाइल होते हैं जो अलग अलग लोकेशंस पे स्टोर किए जाते हैं, और इसके अलावा अक्रॉस मल्टीपल लोकेशन, मल्टीपल्स लोकेशन, मल्टीपल सिस्टम्स में लोकेट किए जाते हैं या फिर इन्हें सेव किया जाता है, एंड इसी की वजह से देयर कैन बी मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम फाइल। इसकी वजह से क्या होता है, एक ही फाइल की बहुत सारी कॉपीज बन जाती हैं, विच लीड्स टू डेटा रिडंसी। सो जिसकी वजह से क्या होता है, एक डेटा की आप कह सकते हैं बहुत सारी कॉपी बन गई तो डेटा ड्यूप्लीकेट हो जाता है, और इसमें क्या होता है, इट इज प्रिवेंट, दिस इज प्रिवेंटेड इन DBMS एज देयर इज अ सिंगल डेटाबेस। ये जो है, ये वाली प्रॉब्लम जो है यहाँ आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सिंगल डेटाबेस यूज किया जाता है, कोई भी चेंज किया जाएगा वो हर जगह दिखाई दिया जाएगा तुरंत। So because of this, there is no chance of encountering the duplicate data. इसकी वजह से
कोई भी चांस नहीं है डुप्लीकेट डेटा को एनकाउंटर करने का। फिर है फैसिलिटेट्स शेयरिंग ऑफ डेटा, इसमें आप इजीली डेटा को शेयर कर सकते हो। यूजर कैन शेयर द डेटा अमंग देमसेल्व्स, देयर आर वेरियस लेवल्स ऑफ ऑथराइजेशंस टू एक्सेस द डेटा एंड द डेटा कैन ओनली बी शेयर्ड बेस्ड ऑन द करेक्ट ऑथराइजेशन entered by the user. Many remote users can also access the database simultaneously and share the data among themselves. तो इस facility में क्या होता है, इसमें जो data को easily share किया जा सकता है और जो authorized person है उसके द्वारा ही share किया गया data जो है use किया जा सकता है और जितने भी लोग हैं, जितने भी users हैं, उस data को कहीं से भी बैठ के use कर सकते हैं। Next comes data integrity. So data integrity means that the data is accurate and consistent to the database. Data integrity क्या बताता है कि जो data है वो genuine है, वो accurate है और consistent है। Data integrity is very important as big organizations are completely dependent upon database system. ये जो है बहुत ज़्यादा important है, DBMS काफ़ी ज़्यादा important है क्योंकि जो बड़े बड़े जो companies हैं, organizations हैं, वो इस system पे ही rely करती हैं, इस पे ही dependent हैं। Any error in the data causes a serious disruption in the working of the organization. और अगर कोई गलती हुई तो क्या होगा, उस organization को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। So it is necessary to ensure that the data is correct and consistent in all the database and for all the users. इसलिए ज़्यादा important है कि जो भी data हम डाल रहे हैं वो करेक्ट होना चाहिए क्योंकि सब यूजर्स के पास वही डेटा जाने वाला है। नेक्स्ट कम्स डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। डेटा यहाँ पे आपका सिक्योर रहता है और प्राइवेट रहता है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यूजर नेम और पासवर्ड डाल के अपने डेटा को सेफ एंड सिक्योर रख सकते हो। देयर आर लेवल्स ऑफ डेटाबेस अक्रॉस द यूजर कैन ओनली व्यू द डेटा ही शी इज अलाउड टू। कुछ ऐसे लेवल्स भी है जिसमें आप यूजर सिर्फ डेटा को देख सकता है, ही कैन नॉट डू एनीथिंग इन दैट। नेक्स्ट कम्स बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप एंड रिकवरी बहुत ईजी होता है इसमें। सो ये जो DBMS सिस्टम है ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली ध्यान रखता है कि कब उसे डेटा को बैकअप या फिर रिकवर करना है। यूजर डोंट नीड टू बैकअप डेटा पीरियोडिकली। यूजर को बार बार डेटा को जो है बैकअप करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये सब काम कौन करता है, ये सब काम DBMS करता है। इसी तरीके से ये क्या करता है, डेटा को रिस्टोर करता है जब वो क्रैश हो जाता है। मींस कई बार होता है डेटा क्रैश हो गया तो उसको रिस्टोर करने का भी काम DBMS का है या फिर सिस्टम फेल हो जाता है, इस केस में भी जो DBMS अपना काम करता है डेटा को रिकवर करने में। नेक्स्ट पॉइंट है डेटा कंसिस्टेंसी। सो डेटा कंसिस्टेंसी इज एंश्योर्ड इन अ डेटाबेस बिकॉज देयर इज नो डेटा रिडंडेंसी और डुप्लीकेसी। ये जो डेटा कंसिस्टेंसी है ये जो क्या करता है, हेल्प करता है किस चीज़ में, इन अ डेटाबेस बिकॉज देयर इज नो डेटा, यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेसी नहीं की जा सकती, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑल डेटा अपीयर्स कंसिस्टेंटली अक्रॉस द डेटाबेस एंड द डेटा इज सेम फॉर ऑल द यूजर्स व्यूइंग द डेटाबेस। ये डेटाबेस हर यूजर के लिए सेम है, तो कोई कहीं से भी देख रहा हो इट विल बी सेम, जो भी इसमें जो करेक्शन कह रहेगा वो हर जगह रिफ्लेक्ट होगा। Moreover, any change made by the database immediately reflected to all the others and there is no data inconsistency. Next comes database applications. So, कौन कौन से applications हैं जहाँ पे database use किया जाता है, तो पहले तो रेलवे में और एयरलाइंस में use किया जाता है, किस चीज़ के लिए, रिजर्वेशन के लिए। फिर बैंकिंग में यूज़ किया जाता है कस्टमर की इन्फॉर्मेशन के लिए, अकाउंट देखने के लिए, उनके लोन के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए, डिपॉजिट, जैसे डिपॉजिट कर रहा है कोई कस्टमर या फिर मनी को विड्रॉ कर रहा है, तो ये सब कुछ डेटाबेस में सेव हो जाता है। फिर है यूनिवर्सिटीज़ एंड स्कूल्स में यूज़ किया जाता है इसे, किस लिए, स्टूडेंट टीचर की इन्फॉर्मेशन रखने के लिए, कितनी बुक्स कहाँ से क्या इशू हुई है वो, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के लिए जैसे फी करेक्शन हो गया या फिर टीचर्स की सैलरी, ये सब कुछ डेटाबेस में स्टोर होता है। फिर आता है टेलीकम्युनिकेशन। ये क्या है, ये यूज़ किया जाता है ट्रैक रखने के लिए बहुत सारे नंबर ऑफ कॉल्स मेड एंड प्रिपेयरिंग बिल। सो कॉल्स कितने किए गए हैं, कितना बिल आया, ये सब चीज़ों के लिए डेटाबेस यूज़ किया जाता है। फिर है शॉप्स में यूज़ किया जाता है डिस्प्ले करने के लिए प्राइस, बिल्स को प्रिपेयर करने के लिए,
और जितना भी इन्वेंट्री, जितना भी सामान है उनके शॉप में, उसका रिकॉर्ड रखने के लिए और गुड्स को इजीली मूव करने के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए डेटाबेस यूज़ किया जाता है। अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं DBMS के। अभी हमने कुछ एडवांटेजेस पढ़े थे, इनके यूजेस पढ़े हैं, कहाँ कहाँ पे ये यूज़ किए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या इसके डिसएडवांटेज हैं। तो फर्स्ट वन इज़ इंक्रीज्ड कॉस्ट। So one of the disadvantages is that they require sophisticated hardware and software and highly skilled personnel. So इसका एक बड़ा disadvantage ये है कि ये जो है cost increase करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा आपको hardware चाहिए, काफ़ी अच्छा software चाहिए और एक skilled person चाहिए जो इसे चला सके। The cost of maintaining the hardware, software and personnel required to operate and manage a DBMS कैन बी सब्सटेंशियल। जो कॉस्ट है इन तीनों चीज़ों को मैंटेन करने का, वो काफ़ी ज़्यादा है। ट्रेनिंग, लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन, कंप्लेंस कॉस्ट आर ऑफन ओवरलुक्ड व्हेन डेटाबेस सिस्टम्स आर इम्प्लीमेंटेड। जब ये सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाता है तो ट्रेनिंग पे ध्यान नहीं दिया जाता, लाइसेंसिंग पे ध्यान नहीं दिया जाता है, रेगुलेशंस पे ध्यान नहीं जाता, इससे क्या होता है कॉस्ट बढ़ जाती है। फिर है मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटीज। सो डेटाबेस सिस्टम इंटरफेस with many different technologies and have a significant impact on an organization's resources and culture. So ye jo DBMS hai ye kya karta hai, interface karta hai, this is involved with many different technologies jiska impact padta hai us particular organizational resource pe ya fir culture pe. The change introduced by the adoption of the database system must be properly managed. जो भी चेंज है इस डेटाबेस सिस्टम में उसे प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए टू एंश्योर दैट इट हेल्प्स एडवांस इन ऑर्गेनाइजेशनल एब्जेक्टिव। इसे प्रॉपरली यूज करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है ये प्रोसीजर। नेक्स्ट है मेंटेनिंग एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को मेंटेन करना, ये भी एक इसका ड्रॉबैक है। To maximize the efficiency of the database system, you must keep your system updated. So, आपका system update होना चाहिए, तभी तो efficiency बढ़ेगी. Therefore, you must perform frequent updates and apply the latest patches and security measures to all components. तो हमें क्या होना होगा, हमें खुद को अपडेट होना पड़ेगा, हमें जो है इस पर लेटेस्ट पैचेस को इंस्टॉल करना होगा, सिक्योरिटी मेजर्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा जो इसकी एफिशिएंसी जो है इम्प्रूव होगी। तो एफिशिएंसी को मैनेज करना ये भी काफ़ी बड़ा एक डिफिकल्ट टास्क है इसमें। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेस 2021। अब हम पढ़ेंगे इन एमएस एक्सेस 2021 के बारे में, जो कि एक डेटा बेस है। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज अ मोस्ट पॉपुलर RDBMS एंड दैट कम्स एज अ पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कैप सूट। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है और ये एक बहुत ही पॉपुलर RDBMS है। इसे यूज़ किया जाता है ऑर्गेनाइज और मैनिपुलेट करने के लिए डेटा को। जो डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है इसमें जो है टेबल्स के फॉर्म में किया जाता है। इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज टेबल्स यूजिंग कॉमन फील्ड्स। ये क्या करता है, एक फैसिलिटी को क्रिएट करता है रिलेशनशिप बनाने के लिए टेबल्स और कॉमन फील्ड्स के बीच में। एंड ये यू कैन सी दिस इज द icon of MS Access 2021. MS Access provides a graphical user interface. ये जो MS Access है ये graphical user interface को क्या करता है, provide करता है किस लिए, data को manage करने के लिए। DBMS databases in MS Access 2021 are composed of four main objectives, objects which allow you to enter, store, analyze and compile the data. सो MS Access में हम क्या कर सकते हैं, डेटा को एंटर कर सकते हैं, उसे स्टोर कर सकते हैं, उसे कंपाइल कर सकते हैं और उसे एनालाइज भी कर सकते हैं। तो ये चार मेन ऑब्जेक्ट्स हैं MS Access 2021 के। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन MS Access। सो चिल्ड्रेन, द मेन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी क्रिएटेड इन एक्सेस आर एस फॉलोज। फर्स्ट इज टेबल। टेबल को हम क्रिएट कर सकते हैं इसमें। ये क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं डेटाबेस के और ये क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं स्ट्रक्चरल मैनर में, स्ट्रक्चर के फॉर्म में, इन फॉर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो हमने पढ़ा है रोज एंड कॉलम्स के बारे में। तो ये क्या करता है, जो भी मींस जो भी डेटा है उसे टेबल फॉर्म में रखता है, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में अरेंज रखता है।
और हर एक टेबल का एक फाइनाइट नंबर है या फिर कॉलम है. नंबर ऑफ रोज और कॉलम यहाँ पे आपको फाइनाइट मिलेंगे, मींस आप बहुत सारे रोज और कॉलम्स इसमें ऐड नहीं कर सकते. नेक्स्ट कम क्वेरी. क्वेरी इज अ स्पेशल व्यू ऑफ द टेबल कॉरेस्पॉन्डिंग टू सम डिजायर्ड इंफॉर्मेशन टू बी एक्सट्रैक्टेड. क्वेरी क्या है? ये एक स्पेशल व्यू है टेबल का जो क्या करता है, एक सम टाइप ऑफ डिजायर्ड इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने का काम करता है. क्वेरी कैन बी डिस्प्ले चूजन रिकॉर्ड्स एंड चूजन फाइल विद इन रिकॉर्ड. क्वेरी क्या करता है? जो भी हमने रिकॉर्ड चूज किया उसे डिस्प्ले करता है या फिर चूजन फील्ड्स को ये डिस्प्ले करने का काम करता है. क्वेरी कैन अप्लाई टू वन टेबल और टू मल्टीपल टेबल्स इफ दे आर लिंक्ड बाय कॉमन डेटा फील्ड. क्वेरी क्या करता है? इसे जो अप्लाई किया जा सकता है एक टेबल में या बहुत सारे टेबल्स में, एंड अगर वो लिंक अप है एक कॉमन डेटा फील्ड से तो इजीली जो है ये अप्लाई किया जा सकता है. नेक्स्ट कम्स फोरम्स. सो नेक्स्ट कम्स फॉर्म्स. दे प्रोवाइड अ यूजर इंटरफेस दैट लेट्स द यूजर एंटर एंड चेंज डेटा इन द टेबल. ये क्या करता है? यूजर इंटरफेस को क्रिएट करता है जिसमें जो यूजर है डेटा को एंटर कर सकता है और चेंज कर सकता है. नेक्स्ट इज रिपोर्ट्स. सो इन इफ फॉर्म्स आर द इनपुट्स देन रिपोर्ट्स आर फॉर आउटपुट. सो अगर फॉर्म इनपुट है तो रिपोर्ट्स क्या हुए? उनके आउटपुट्स हुए. सो रिपोर्ट्स आर यूज टू डिस्प्ले द डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस. रिपोर्ट को यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने में डेटाबेस टेबल में इन अ प्रोफेशनल फॉर्मेट में फॉर प्रिंटिंग पर्पस. इवन इफ यू हैव एन आइडिया ऑफ हाउ ईच ऑब्जेक्ट कैन बी यूज इट कैन इनिशियली बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हाउ दे ऑल वर्क. अगर आपको जो है एक अच्छा आइडिया है किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे यूज किया जाता है, ये जो है इट कैन इनिशियली बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. ये जो है आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है समझने के लिए हाउ दे ऑल वर्क टुगेदर, कैसे ये सब एक साथ काम करते हैं. इट हेल्प्स टू रिमेंबर दैट दे ऑल वर्क विद द सेम डेटा. ये जो है हेल्प करता है इस बात को याद कराने में कि कैसे जो है दे ऑल वर्क इन द सेम डेटा, ये सब जो है एक ही डेटा में काम करते हैं. इवन पीसेज ऑफ डेटा अ क्वेरी फॉर्म और अ रिपोर्ट यूज इज स्टोर्ड इन वन ऑफ योर डेटाबेस टेबल. सो ये जो पीस ऑफ डेटा क्वेरी फॉर्म और रिपोर्ट है इन सब को हम एक ही डेटाबेस टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं. नाउ चिल्ड्रन लेट्स लर्न हाउ टू स्टार्ट एमएस एक्सेस 2021. एमएस एक्सेस 2021 को कैसे स्टार्ट करें? सो यर फर्स्ट यू हैव टू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. आपको स्टार्ट बटन पे जाना है एंड फ्रॉम देयर यू हैव टू सेलेक्ट एमएस एक्सेस 2021. वहां से जाके आपको एक्सेस 2021 को सेलेक्ट करना है. नेक्स्ट द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस स्टार्टअप विंडो विल ओपन. सो एक्सेस का ये स्टार्टअप विंडो आपके सामने आ जाएगा. हियर यू हैव टू क्लिक ऑन द ब्लैंक डेटाबेस. ब्लैंक डेटाबेस पे आपको क्लिक करना है. द ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस डायलॉग बॉक्स विल अपियर. आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा. आपको क्या करना है? क्लिक ऑन द क्रिएट बटन. आपको क्रिएट बटन पे क्लिक करना है. द एक्सेस 2021 विंडो विल अपियर. और इसको क्लिक करते ही हमारे सामने ये एक्सेस 2021 का विंडो हमारे सामने आ जाएगा. चलिए पढ़ते हैं क्या क्या पार्ट्स हैं एम एस एक्सेस 2021 के विंडो में. सो एज यू नो चिल्ड्रेन फर्स्ट हियर कम्स द टाइटल बार. दिस इज द टाइटल बार जहाँ पे आप टाइटल लिख सकते हो, नाम लिख सकते हो अपने प्रोग्राम का. यहाँ पे आपको लिखा रहेगा डेटाबेस है. आप नेम को चेंज भी कर सकते हो, रीनेम कर सकते हैं. दिस एरिया इज ए क्विक एक्सेस टूल बार. यहाँ से आप टूल्स को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं. दिस एरिया इज योर नेविगेशन पेन. ये आपका नेविगेशन पेन है. एंड हियर यू कैन सी ऑब्जेक्ट टैब इज हियर. ये आपका ऑब्जेक्ट टैब है. नेविगेशन बटन्स यहाँ पे दिए गए हैं. आपको जो है किस पेज पे जाना है वो नेविगेट आप यहाँ से इजिली कर सकते हो. दिस एरिया इज योर स्टेटस बार. एंड हियर दिस होल पार्ट इज योर रिबन. ये जो पूरी लाइन है ये क्या है? आपकी रिबन है. दिस टोटल वाइट पार्ट इज योर रिबन. जहाँ पे आपको फाइल्स टैब्स ये सब चीज़ें मिलेंगी, ये पूरा पार्ट क्या है? आपका रिबन एरिया है. सो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एम एस एक्सेस 2021. लेट्स
लर्न अबाउट देम इन डिटेल. सो फर्स्ट कम टाइटल बार्स, ये जो है सबसे ऊपर होता है हमारे विंडो में, और इसमें आपको नाम दिखाई देगा आपके कौन से एक्टिव डेटाबेस पे आप काम कर रहे हो, उसका नाम यहाँ पे आपको शो होगा. फिर उसके बाद है क्विक एक्सेस टूल बार, जहाँ पे आपको जो है बहुत सारे ऐसे टूल्स मिलेंगे जो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, जैसे सेव बटन काम को सेव करने के लिए, अनडू बटन और रीडू बटन, ये सारे बटन्स आपको मिलेंगे. नेक्स्ट कम्स, और इस टूल बार को आप कस्टमाइज कर सकते हो, क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज करके और बटन्स इसमें ऐड और डिलीट कर सकते हो. फिर आता है रिबन, ये जो एरिया है ये टाइटल बार के नीचे होता है, और यहाँ पे आपको जो बहुत सारे टैब्स मिलेंगे, हर टैब में आपको अलग अलग जो है बोर्ड्स मिलेंगे, जहाँ पे आप जो है अलग अलग हर टैब, जैसे फाइल, होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डेटा, डेटाबेस, ये जो मेन टैब्स हैं इनके अंदर आपको जो बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, और आप इन कंटेंट्स को यूज़ कर सकते हो. सो सम टैब्स अपीयर ओनली व्हेन यू वर्क विद सर्टेन ऑब्जेक्ट्स. कुछ टैब्स ऐसे भी हैं वो तभी आते हैं जब आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या फिर फॉर्म वगैरह के साथ वर्क कर रहे हो. और ये जो टैब्स हैं इन्हें हम कॉन्टेक्चुअल टैब्स कहते हैं. क्या कहते हैं? कॉन्टेक्चुअल टैब्स. नेक्स्ट कम्स नेविगेशन पेन. सो नेविगेशन पेन जो है, ये जो एरिया है वो आपके लेफ्ट साइड में होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया था, ये रहा आपका नेविगेशन पेन एरिया, जहाँ पे आपका जो भी आप वर्क करें वो डिस्प्ले होगा. When you open a database or create a new one, the name of the database object appear in the navigation pane. तो आप देख सकते हो कि आप अभी टेबल वन पे वर्क कर रहे हो, वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है. फिर है ऑब्जेक्ट्स टैब. ये जो ऑब्जेक्ट टैब है, द ऑब्जेक्ट दैट यू हैव ओपन इन द डेटाबेस अपियर राइट अबव. सो ऑब्जेक्ट टैब में आपको जो भी आपने ऑब्जेक्ट ओपन किया है वो आपको यहाँ पे ईजिली मिलेगा. And when you click on the object tab, the content of that object are displayed. जब आप object tab पे click करते हो तो जो भी content है वो आपके सामने आ जाएगा. Click on the cross button. हमें cross button पे click करना है. On the right end of the bar to close off object displayed in the current tab. So, यहाँ पे आके हम cross button पे click करेंगे तो जो भी object है वो वहाँ से गायब हो जाएगा. फिर आता है navigation button. ये है आपका navigation button. यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा पेज चल रहा है, आप फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों जा सकते हो यहाँ से. नेक्स्ट कम स्टेटस बार. दिस बार इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द विंडो. विंडो के हमेशा नीचे होता है ये, और इट इज़ ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द करंट व्यू. जो भी व्यू हम यूज़ कर उसका नेम आपको यहाँ पे मिलेगा. इसमें आपको शॉर्टकट्स मिलते हैं क्विकली सेव, जिसकी वजह से आप क्विकली स्विच कर सकते हो डिफरेंट व्यूज के बीच में, जैसे डेट शीट व्यू हो गया, डिज़ाइन व्यू हो गया, फॉर्म व्यू हो गया, इन व्यूज के बीच में आप इजीली जो है जा सकते हो. नाउ लेट्स मूव ऑन टू लेट अस डू नेम द वेरियस पार्ट्स ऑफ एमएस एक्सेस 2021 विंडो. सो चलिए लिख देते हैं, एक तो मैं लिख देती हूँ, बाकी आपको खुद से लिखना है. सो राइट डाउन द नेम ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ एमएस एक्सेस 2021 विंडो. नेक्स्ट इज क्रिएटिंग डेटाबेस. डेटाबेस को कैसे क्रिएट करना है. सो एमएस एक्सेस लेट्स यू क्रिएट न्यू डेटाबेस यूजिंग द फॉलोइंग ऑप्शंस. यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए, उनके थ्रू हम नया डेटाबेस बना सकते हैं. तो पहला है ब्लैंक डेटाबेस और दूसरा है इंस्टॉल टेम्पलेट्स. सो फर्स्ट ब्लैंक डेटाबेस मीन्स यू कैन क्रिएट अ न्यू और डेटाबेस फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग दिस ऑप्शन. आप नया डेटाबेस बना सकते हो इस ऑप्शन के थ्रू. इंस्टॉल टेम्पलेट में क्या कर सकते हो, एक्सेस कम्स विद सेवरल प्री इंस्टॉल टेम्पलेट्स. एक्सेस में पहले से इंस्टॉल किए गए कुछ टेम्पलेट्स दिए गए हैं. दीज टेम्पलेट्स कैन क्रिएट अ कम्प्लीट डेटाबेस एप्लीकेशन. ये टेम्पलेट जो है एक कम्प्लीट डेटाबेस एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं. इनमें जो है आपको टेबल, क्वेरी, रिपोर्ट या दूसरी चीज़ें आपको मिलेंगी, जिसकी वजह से आप काम कर सकते हो. तो चलिए बनाते हैं क्रिएटिंग अ ब्लैंक डेटाबेस. कैसे एक ब्लैंक डेटाबेस को हमें क्रिएट करना है. सो चिल्ड्रन टू क्रिएट अ ब्लैंक डेटाबेस इन एक्सेस फॉलो दीज स्टेप्स. यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं वो हमें फॉलो करना है. तो पहले हमें क्लिक करना है फाइल टैब पे, फिर हमें वहाँ से न्यू पे जाना है. न्यू ऑप्शन आप देख सकते हो, दिस इज अ न्यू ऑप्शन. फिर हमें क्लिक करना है ब्लैंक डेटाबेस डिटेल, ये रहा हमारा ब्लैंक डेटाबेस, उस पर क्लिक करना है. फिर हमें क्या करना है, टाइप द नेम फॉर द डेटाबेस इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स. अब यहाँ पे फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे आपको नेम डालना है.
एंड देन क्रिएट, क्लिक ऑन क्रिएट, क्रिएट बटन पे क्लिक करना है. चिल्ड्रन डू यू नो द एक्सटेंशन ऑफ एमएस एक्सेस 2021 इज डॉट ACCDB. क्या आपको पता है इसका एक्सटेंशन ये है. सो येस वी हैव क्रिएटेड अ ब्लैंक डेटाबेस गेट्स क्रिएट. ब्लैंक डेटाबेस हमारे सामने आ चुका है. आप क्या करना है, एक्सेस क्रिएट्स अ डेटाबेस विथ एन एम्प्टी टेबल नेम टेबल वन. सो आप देख सकते हैं एम्प्टी टेबल आपको दिख रहा है, टेबल वन जिसका नेम है. नाउ क्रिएटिंग अ टेबल यूजिंग टेम्पलेट. अब टेबल को यूज करना है, मतलब बनाना है टेम्पलेट के. हमने ब्लैंक बनाना सीखे, अब हम क्या सीखेंगे कि कैसे जो है टेम्पलेट्स को यूज करके हम जो है एक टेबल बना सकते हैं. सो वन ऑफ द इजिएस्ट वे टू क्रिएट अ टेबल इज टू यूज टेम्पलेट. सबसे आसान तरीका है टेम्पलेट यूज कर लीजिए, आपका टेबल बन जाएगा. अ टेबल इज रेडी टू यूज डेटाबेस. ये रेडी टू यूज है, मीन्स पहले से बने हुए आते हैं, जिसमें आपको टेबल, क्वेरी फॉर्म एक्सेट्रा ये सब चीज़ें मिल जाती हैं. नाउ यू हैव टू हाउ यू कैन क्रिएट इट. पहले हमें फाइल पे जाना है जैसे हम पहले गए थे, फिर न्यू पे जाना है. न्यू पे जाने के बाद हमें डेटाबेस लिंक पे क्लिक करना है. वहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, वी हैव टू सेलेक्ट द टेम्पलेट. इतने सारे टेम्पलेट आपको दिख रहे हैं ना, तो इन टेम्पलेट में से जो भी हमें चाहिए उस पर हम क्लिक करेंगे. तो हमने क्लिक किया एजुकेशन पे. नाउ अब क्या होगा, एजुकेशन में आप देख सकते हो आपको जो है एक टेम्पलेट मिलेगा जिसमें लिखा हुआ है नाम है फैकल्टी, तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे. फिर यहाँ पे आप अपने डेटाबेस का नाम लिख दीजिए और क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए. तो ऐसे आप जो है डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं. आप क्या करता है, एक्सेस है क्रिएट कर देता है टेबल फॉर्म व्यू में. आप देख सकते हो टेबल जो फॉर्म व्यू में है, जिसमें आईडी है, फैकल्टी आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल एड्रेस है, बिजनेस फोन है, डिपार्टमेंट है एंड फैकल्टी टाइप है. तो ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी लिखी हुई मिल जाएंगी क्योंकि आपने फैकल्टी को वहाँ से चूज़ किया, टीचर्स का या फिर जो भी फैकल्टी स्कूल में वर्क कर रही है उन सब के यहाँ पे नाम आपको लिख सकते हैं. नाउ वी हैव टू क्लिक ऑन द डेटा शीट व्यू. अब हमें डेटा शीट व्यू पे बटन पे जाना है जो कि हमारे स्टेटस बार में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है. नेक्स्ट अ न्यू टैब डेटा शीट अंडर फॉर्म टूल अपीयर्स. एक नया टैब आ जाएगा and here we have to click on the add existing field. add existing field पे हमें क्लिक करना है. आप देख सकते हो ये रहा हमारा add existing field जो कि tools group में है. the field list task pane will appear. field list अब जैसे हमने वहाँ क्लिक किया तो field list आ गए. अब इसमें से choose कर सकते हैं कि हमें ID डालनी है या company डालनी है या last name डालना है या first name डालना है. तो according to us we can modify it and then we can enter the data into the table. Now children let's learn how can we open an existing database. कैसे हम जो है किसी pre-existing database को हम open कर सकते हैं. तो हमने database अब बनाना सीख लिया है, अब हमें उसे open कैसे करना है. To open an existing database को open करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो steps दिए गए हैं follow करना है. पहले हमें click करना है file tab पे, तो file पे गए, फिर हम open पे गए. वहाँ पे हम जैसे ही गए तो हमारे सामने आ जाएगा ओपन स्क्रीन विल बी देयर एंड हियर वी हैव टू क्लिक ऑन पीसी या फिर ब्राउज. ब्राउज या फिर पीसी पे हमें क्लिक करना है. वहाँ पे जैसे हमने क्लिक किया तो ये हमारे सामने आ जाएगा. अब इसमें से जो भी हमारी फाइल है उसे हम क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक कर देना है एंड देन आवर दैट डेटाबेस विल बी ओपन. Now there is a hot tip children that to open an existing database press Ctrl+O. Ctrl+O press करके भी हम existing database को open कर सकते हैं. Now अब open करना तो सीख लिया, अब इसे close कैसे करना है. So for closing हमें file पे जाना है, फिर वहाँ पे हमें close option यहाँ पे दिख रहा है, close option पे click करना है. अब आपसे access पूछेगा कि आपको इसको जो changes आपने किए हैं वो सेव करने हैं या नहीं करने. अगर सेव करने तो येस पे क्लिक करें और नहीं करने तो नो पे क्लिक करें. तो ये देखिए जैसे ये लिखा हुआ जाएगा डू यू वॉन्ट टू सेव चेंजेस, तो आपने अगर येस करना है तो येस, नो करना है तो नो एंड यू कैन क्लोज योर प्रेजेंटेशन, सॉरी क्लोज योर एमएस एक्सेस. नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू लेट्स रिवाइंड बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. सो वॉट ऑल थिंग्स वी हैव लर्न हियर दैट वी विल रिवाइज एंड लेट्स रिवाइंड. So facts related to any object in consideration are collectively known as data. Database is a collection of interrelated data which helps in efficient retrieval, insertion and deletion of data from the database and organizes the data in the form of table, view, report, etc. The software used to manage a database is called DBMS.
Some of the examples of RDBMS is MS Access, Oracle, MS SQL. Microsoft Access is the most popular RDBMS that comes with a part of Microsoft Office Suite. MS Access is used to organize and manipulate the data. It organizes data in the form of tables. Database in MS Access is composed of four main objects, which allows you to enter, store, analyze and compile the data. The main object that can be created in Access are table, queries, forms and reports. Tables are the building blocks of the database. They store the complete data in the structured manner in the forms of rows and columns. Queries let you find and work on the data from one or multiple tables according to the specific condition. Forms provide a user interface that lets the user enter and change data in the table. Now let's move on to book exercise, which is check yourself. So here children, the A exercises, check the correct option. First one is to open an existing database. What we have to press? We have to press Control plus O. So what we have to press? We will press Control plus O. Now the second one is dash is the column heading and contains a set of values for a single type. ये क्या है? ये column की heading है और इसमें जो है आपको बहुत सारे values मिलते हैं एक तरीके के. So what is it? It is field. So these are the answers children. I hope it's clear to you. And like this you have to do question number 3, 4, and 5 yourself. Now let's move on to fill in the blanks. So children, here the first question in fill in the blanks is data definition helps in organizing data into various types so that a relation can be set for accessing the information. Second one, data integrity is ensures in a database because there is no data ribbon density. So like this, do question number 3, 4, 5 yourself. Now children, let's move on to C exercise, which is write true or false for the following statements. First one is facts related to any object in consideration are collectively known as data. True. Value is the data item, which is smaller unit of the database. This is false. Do the rest yourself. Now let's move on to D exercise, which is answer the following questions. Here the first question is, what do you understand by the term DBMS? So DBMS is a software used to manage database. So this was the answer children, like this. Read the chapter again and complete the rest of the questions. With this children, we have completed the chapter. I hope it's clear to you. Read the chapter again. Complete the exercise. I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.